अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं अब्दुल्ला आज इस प्रोग्राम का नाज़िम होने की हैसियत से आज बरोज़ जुमा 18 रमज़ान 1445 हिजरी 29 मार्च 2024 को आज के हमारे मुखरिर फजलतुश्शेख आरिफुद्दीन कलीम उमरी मदनी हफीज़ुल्लाह का और इदारे में मौजूद आप तमाम मर्द व ख़वातीन का, बच्चों का और बुज़ुर्गों का मैं तहे दिल से आज इस प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। अब मैं आप तमाम को अलीफ टीवी का मुख्तसर सा तारुफ देना चाहता हूँ। अलीफ मीडिया नेटवर्क्स एंड प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड मीडिया हाउस है जिसके तहत अलीफ टीवी चलाया जाता है। इस मीडिया हाउस में उलेमा और स्पीकर्स के दीनी और इस्लाही बयानात के प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्डिंग्स किए जाते हैं। साथ ही साथ इस्लामी क्वेश्चन आंसर्स, इंटरेक्टिव सेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप, इस्लामी किड्स कैंप वगैरह के भी एपिसोड्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। फ्री कुरान और इस्लामिक लिटरेचर कुरियर के जरिए सारे हिंदुस्तान में नॉन मुस्लिम्स भाइयों को उनके ऑर्डर पर फ्री कुरान भेजा जाता है। शरई सवालात या मसाइल आस्क एन आलिम के मखसूस नंबर पर आप तमाम सवालात कर सकते हैं जिसका व्हाट्सअप नंबर है 9966367600। इंशाल्लाह आप तमाम को तसल्लीबख्श जवाब हासिल होंगे। अलिफ इस्लामिक एकेडमी में अल्हम्दुलिल्लाह 90+ स्टूडेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन तालीम हासिल कर रहे हैं। अगर आप अपने घर के बच्चों को इन ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में ज्वाइन कराना चाहते हैं तो मज़ीद तफसीलात के लिए 8712303208 पर रब्ता कर सकते हैं। अलिफ़ टीवी का शुबाए ख़वातीन आलिमा एडवोकेट जुबेरा नौशीन साहिबा आपकी निगरानी में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया जाता है। आलिमा एडवोकेट जुबेरा नौशीन साहिबा हर रोज़ 4:45 PM से 5:30 PM तक 45 मिनट्स की आपकी ऑनलाइन इस्लामिक क्लास होती हैं। अगर आप अपने घर के ख़वातीन को इन ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन कराना चाहते हैं तो मज़ीद तफ़सीलात के लिए 8125303208 पर रब्ता कर सकते हैं। अलिफ चैरिटेबल फाउंडेशन के तहत हर मंगल रेशन डिस्ट्रीब्यूशन, हर जुमा फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ओल्ड एज होम में लंच अरेंजमेंट, गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स में फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन और उम्रदराज उलमा के लिए और आलिमत के तलबा के लिए हर महाराष्ट्र स्टेफन्स में किया जाता है और इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में सहर और इफ्तार का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। खान्स एडवोकेट्स एंड एसोसिएट्स की जानिब से लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, फ्री मैट्रिमोनियल काउंसलिंग और लीगल गाइडेंस लॉ स्टूडेंट्स किया जाता है। अगर लॉ से मुतालिक आप तमाम यूट्यूब पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो जनाब एडवोकेट निज़ाम अली खान साहब की वीडियोस मौजूद है, आप तमाम देख सकते हैं। अब मैं बिना किसी ताखिर के आज के हमारे मुखरिर फजलतुश्शेख आरिफुद्दीन कलीम उमरी मदनी हफीज़ुल्लाह का मुख्तसर सा तारुफ आप तमाम को देना चाहता हूँ। आपने जामिया दारुस्सलाम उमराबाद से 1981 में फ़रागत हासिल किए हैं और जामियतुल इमाम मोहम्मद बिन सऊद अल इस्लामिया मदीना ब्रांच से आपने 1987 में फ़रागत हासिल किए हैं और अब आप फ़िलहाल शहर हैदराबाद में दाई की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब मैं बिना किसी ताखिर के शेख मोहतरम को दावा देता हूँ कि अपना बयान आगाज़ करें। उनवान, घर का माहौल इस्लामी कैसे बनाएँ। फजलतुश्शेख आरिफुद्दीन कलीम उमरी मदनी हफीज़ुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني यफ़ कोली। अलिफ टीवी के हाज़रीन व नाज़रीन, मैं आरिफ करीम मदनी आपके सामने घर का माहौल इस्लामी कैसे बनाएं के मौजू पर ख़िताब कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक ताला का इरशाद है, या अय्युहल लज़ीना आमनू कू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ मोमिनो, अपने आप को और अपने घर वालों को आग के अजाब से बचाओ। बिरादरान इस्लाम, इंसान का माहौल से मुतासिर होना लाजमी है। हर इंसान मुआशरे से, माहौल से मुतासिर होता है, वैसे ही मुतासिर होता है जैसे मौसम से इंसान मुतासिर होता है। अगर सर्दी का मौसम हो तो हर इंसान को सर्दी लगती है, कोई ये नहीं कहता ये मौसम में मुझे सर्दी नहीं लग रही है। इसी तरीके से गर्मी का मौसम है तो हर इंसान उससे मुतासिर होता है और वो कहता है सख्त गर्मी है। हर इंसान उस मौसम से मुतासिर होना तबीयी और नेचुरल बात है। इसी तरीके से दुनिया का जो माहौल चल रहा है,
इंसान का शऊरी और गैर शऊरी तौर पर मुतासिर होना मामूली या नॉर्मल बात है, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि जैसा माहौल होता है इंसान उसी माहौल में पनपता, बड़ा होता और उसके असरात कबूल करता है। इस्लाम ऐसा दीन है जिसमें इंसान को इंसानियत के साथ, फितरत के साथ अखलाकियात की तालीम देता है। अगर माहौल बिगड़ा हुआ है, अखलाक बिगड़े हुए हैं, तो ये तबीयी बात है कि लोग भी उससे मुतासिर होंगे, उनके भी अखलाक बिगड़ेंगे। और फी ज़माना आज हम देख रहे हैं कि एक बड़ी तादाद अखलाक से मुतासिर है और बहुत ज़्यादा लोग उससे बद अखलाकी का शिकार हो रहे हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक नेक बुज़ुर्ग और हिकमत वाली बातें कहने के लिए बड़े आलिम दीन हैं, बहुत मशहूर हैं, उनकी किताबें भी मदारिस में पढ़ाई जाती हैं फारसी में। उनका कौल है, कहते हैं सालेह तुरा सालेह कुनत, ताले तुरा ताले कुनत। घर के माहौल को सीधा करने के लिए पहले घर के तमाम अफराद नेक बन जाएं। नेक लोगों के साथ रहेंगे तो बच्चे भी नेक बनेंगे, सालेह इंसान की सोबत इख्तियार करेंगे तो बच्चे भी सालेह और नेक बनेंगे। अगर ताले तुरा ताले कुनत बुरे की सोबत इख्तियार करें, बुरे के साथ उठे बैठें, तो बच्चों के ऊपर भी बुराई का असर होता है। कहने का मतलब ये है कि माँ बाप पर बुनियादी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो सबसे पहले अपने आप को नेक बनाएं, कोई काम खिलाफ शरीयत न करें और कोई काम इस तरीके का न करें कि जिसको देखकर बच्चे गलत तासुर लें। तो सबसे बुनियादी बात वालिदैन के अपनी तरबियत की और उनके अखलाक की और बच्चों के साथ उनके हुस्न सलूक की है। जो वालिदैन दीनदार हैं, तबीयी तौर पर उनके बच्चे भी दीनदार होते हैं, क्योंकि ये माहौल का असर होता है। अगर माँ नमाज का एहतमाम करती है तो उसकी बच्चियाँ भी नमाज का एहतमाम करेंगी, अगर माँ नमाज से गफलत करती है तो बच्चियाँ भी नमाज से गफलत करेंगी। बाप नमाज का एहतमाम करता है, कपड़े सीधे साधे पहनता है, फैशन या बालों का की कटिंग या जिस्म के कपड़े ऐसे नहीं पहनता है कि जिसको देखकर ये समझे कि यह गैर इस्लामी मिजाज है, तो बच्चों के भी वह ऐसी तरबियत देगा, उनके बाल भी जानवरों जैसे बंदरों जैसे बुरे शक्ल के नहीं होंगे, जैसा कि आज हम एक बड़ी नस्ल को देख रहे हैं कि वह अपने बालों का ऐसा बना रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि उनसे वो अपने ख़ानदान के लोगों से मुतासिर हैं, उनके बाप से, उनके चाचाओं से, उनके मामुओं से मुतासिर हैं। तो वो समझते हैं जब बड़े ऐसा कर सकते हैं तो हम ही ऐसा करने में रुकावट क्या है। इंसान को अगर मुआशरा नेक रहा तो नेक मुआशरे का साथ देना चाहिए, अगर मुआशरा बुरा रहा तो उसके खिलाफ में इस्तेकामत के साथ खड़े रहना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और उन्होंने नसीहत तलब की, या रसूलल्लाह आप मेरी मुझे नसीहत फरमाइए। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन बिल्लाह थुम्म इस्तकिम, अल्लाह पर ईमान लाओ तो उसके बाद साबित कदम रहो। यानि साले मुआशरे की तश्कील, घर की तश्कील नेक माहौल में उसी वक्त हो सकती है कि आप ईमान पर साबित कदम रहें। तौहीद वो पहला मरहला है जहां इंसान को नेक बनाता है, जहां इंसान को साबित कदम रखता है। इस लिहाज से इंसान को ईमान पर साबित कदमी का मुजाहरा करना चाहिए।
सच बोलना चाहिए, झूठ से नफरत करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, इताअत करना चाहिए, हिल्म व बुर्दबारी से काम लेना चाहिए, नफ्स परस्ती को, नफसानी ख्वाहिशात को, किज़्ब और बुरे आमाल को इंसान को छोड़ देना चाहिए। मनफी सोच इंसान को मनफी बनाती है, मुस्बत सोच इंसान को मुस्बत बनाती है। आप देखिए, एक सिगरेट पीने वाला अगर अपना सिगरेट सुलगाता है चलते हुए और वो हवा से बुझ जाता है तो वो माहौल को बदलने के लिए पलटता है, पलट के अपना सिगरेट सुलगाता है, फिर जब वो सुलग जाता है तो फिर वो अपनी राह लेता है। यहाँ ये बात समझ में आती है कि इंसान का माहौल उसके खिलाफ है तो उसको उससे लड़ना चाहिए, उससे उसमें साबित कदम रहना चाहिए। इंसान को हदीस में बताया गया है कि बाद इंसान मुतकब्बिर होते हैं, तकब्बुर उनके कल्चर की वजह से आता है। जैसे अरब के बुदू हैं, ऊंट चलाने वाले हैं, तो ऊंट चलाने वालों का मिजाज बिल्कुल सख्त होता है क्योंकि ऊंट सख्ती वाला जानवर है, शिद्दत उसको पसंद है, सहराओं की धूप और रेत की गर्मी को बर्दाश्त करता है, हाँ सैकड़ों हजारों मील पैदल चलता है, तो उसके अंदर तकब्बुर पाया जाता है। तो जो लोग ऊँटों को पालते हैं, ऊँटों के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उनके अंदर भी अल्लाह ताला ऊँटों की सिफत पैदा करता है, वह ऐसे सख्त मिजाज हो जाते हैं। इस तरीके से बकरियां वाले हैं, बकरियां वालों को अल्लाह ताला ने नरम मिजाज बताया है। बकरियां बिल्कुल ऐसा जानवर है जो थोड़े से हांकने से भागने लगता है, कंट्रोल में आ जाता है। तो इस लिहाज से बकरियां चराने वाले जो चरवाहे हैं वो नरम मिजाज के होते हैं। और जमाना अपने हुक्मरानों के मिजाज के मुताबिक चलता है, हुक्मरानों के मिजाज के मुताबिक अवामुन्नास का मिजाज बनता है। अगर हुक्मरान अय्याश है, हुक्मरान सिर्फ फजूल खर्ची और खाने पीने वाला है, तो उसकी नस्ल भी इसी तरीके की रहती है। आज हम देख रहे हैं जो नवाबों के मुल्क हैं, जहाँ पर नवाबी मिजाज खाने पीने उड़ाने अय्याशियाँ करने का मिजाज रहा है, तो नवाब ख़त्म हो गए लेकिन उनके असरात उन शहरों में आज भी बाकी हैं। हैदराबाद हो, रामपुर हो, भोपाल हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, तो यहाँ पर जो नवाब गुजर चुके हैं, शाही दस्तरखान उनका नित नए अनवा व अकसाम के खाने उनके ज़माने में रहा करते थे, तो उससे ये मुसलमान कल्चर मुतासिर हुआ। तो आप देखते हैं आज हैदराबाद में भी वलीमों का क्या हाल है, कितने कितने खाने पकाए जाते हैं, ये सब उस माहौल का असर है जो इस यहाँ पर हुक्मरानों ने ज़िंदगी गुजार कर गए थे। वलीद बिन अब्दुल मलिक एक खलीफा बनू उमैया के गुजरे हैं, ये तामीरात के शौकीन थे, कंस्ट्रक्शन की का इनको बड़ा शौक था। उन्होंने बड़ी खूबसूरत मस्जिदें बनाई, बड़े खूबसूरत किले बनाए, बहुत ही शानदार इमारतें तामीर की। तो उनके ज़माने में लोगों का मिजाज भी इमारतों को तामीर करना था और खूबसूरत बड़ी बड़े घर और इमारतें बनाने का उनको शौक़ था। इस तरीके से लोग आपस में मिलते तो कंस्ट्रक्शन की बात करते, घर की तामीर कहाँ तक हुई है, कौन सा हिस्सा बना है, मटेरियल कहाँ से ला रहे हो, कौन से इंजीनियर को तुमने लगाया है, मजदूर कहाँ से आ रहे हैं, इस तरीके की बात और इस तरीके का कल्चर उनके पास शुरू से रहता है। तो बताया गया हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का दौर आया। उमर बिन अब्दुल अजीज़ नहायत नेक इंसान थे, नहायत सालेह इंसान थे, तो उन्होंने उनकी ज़माने में दीनदारी बस्तियों में
मोहल्लों में, शहर शहर में इतनी ज़्यादा फैल गई थी कि लोग महज दीन की बातें करते थे, एक दूसरे से पूछते थे तुमने क़यामुल्लैल में क्या पढ़ा, कब क़यामुल्लैल किए और कितने पारे तुमने हिफ्ज किए, आज की तिलावत कितनी है, तुम्हारे बच्चे कहाँ हिफ्ज कर रहे हैं। सारा माहौल दीन का था और लोग सदका व खैरात और दीनी की बात करते। इस तरीके से इंसान अपने माहौल से मुतासिर होता है और उसका असर उस पर पड़ता है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने कहा मन तहावना मिन अदबिन उकिब मिन हिरवानी सुन्ना, जिसने अदब को छोड़ दिया तो वो साथ साथ सुन्नत के सिलसिले में भी महरूम हो गया, उससे सुन्नत भी छीन ली जाती है और जो सुन्नत से महरूम हुआ उससे फराइज भी छीन लिए जाते हैं या उसमें सुस्ती व तहावुन करता है। इस लिहाज से बताया गया कि इंसान छोटे से छोटे अमल को तवज्जो दे, आदाब व अखलाक सीखे। शेख सादी ने कहा मैंने अदब गैर अदब लोगों से सीखा है, बेअदब लोगों से सीखा है। उनसे पूछा आपने बेअदबों से अदब कैसे सीखा, तो उन्होंने कहा वो झूठ बोलते हैं मैं झूठ नहीं बोलता, वो चुगली करते हैं मैं चुगली नहीं करता, वो गिबत करते हैं मैं गिबत नहीं करता। इस तरीके की बातें उन्होंने बताई कि मैं बेअदबों के ख़िलाफ़ काम करता हूँ, इस लिहाज से मैंने साहिब अदब और अदब वाला इंसान बन गया। बच्चों की तरबियत में माँ का किरदार बहुत अहम होता है। घर के माहौल को इस्लामी बनाने में और गैर इस्लामी बनाने में माँ ही एक मरकज़ी प्ले रोल प्ले करती है। अब जानते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल की माँ 4 साल के थे और वो उनका हाथ पकड़कर मस्जिद को ले जाती थी फजर की नमाज में। मस्जिद उनके घर से दूर थी, चलते हुए फजर की नमाज में उठती, अपने बच्चे को तैयार करती और लेकर जाती। इस तरीके से उनकी माँ ने उनकी तरबियत की। अब अहमद बिन हम्बल जब ज़रा बड़े बच्चे हो गए, 8-10 साल के बच्चे हो गए, तो उनके चाचा ने उन्हें एक ख़त दिया और ख़त देकर कहा यह ख़त फला शख्स को पहुँचाया जाए। तो हजरत अहमद बिन हम्बल के चाचा जासूसी का काम करते थे, उसमें लोगों के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखते थे। उन्होंने वह ख़त देखा, उसमें किसी की शिकायत थी, किसी की जासूसी का अमल था, तो उनसे कहा गया कि यह ख़त फला को पहुंचा दे। तो उन्होंने अपने चाचा से कहा चाचा किसी की जासूसी करना, किसी के ख़िलाफ़ बोलना और किसी की शिकायत करना, पैसे लेकर उसको बेचना, यह ग़लत है, मैं आपका यह ख़त नहीं पहुँचा सकता। ब्रदरान इस्लाम, हाज़रीन महफिल, जानिए ज़माना फितरों से भरा हुआ है। इस फितरों में बच्चियों को पर्दे के लायक बनाना, इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, गैर मुस्लिमों से शादियां कर रही हैं, बे इंतहा दीन बेजार हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याती अलन्नासि ज़मान अस्साबिरु फीही अला दीनिही कल क़ाबिज़ अलल जमर, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा, लोग एक ऐसे ज़माने से गुजरेंगे, ऐसे फितने उसमें होंगे कि उस ज़माने में दीन पर कायम रहना, साबित कदम रहना ऐसे होगा जैसे आग के शोले को हाथ में पकड़ रहे हैं। इस लिहाज से आज का ज़माना वही है, बच्चियां पर्दा करने से, बुरका पहनने से बेजारगी महसूस कर रही हैं, कॉलेजों में बुरके उतारती हैं, गलत हरकतें करती हैं, नाजायज़ ताल्लुकात रखती हैं। उसका सबब यह है कि माँ ने वो तरबियत नहीं की, माँ ने वो मिजाज नहीं बनाया। माँ बेपर्दा रही तो औलाद भी बेपर्दा है, माँ दीनी माहौल से बेजार रही तो बच्चे भी दीनी माहौल से बेजार होते हैं। तो ये बुनियादी तरबियत बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए माँ की है। इमाम बुखारी की माँ ने उनको बचपन में अल्लाह की राह में भेज दिया था और वो बहुत बड़े इमाम, बहुत बड़े मुहद्दिस बने। इमाम शाफई की माँ ने भी इमाम शाफई को पढ़ने के लिए भेज दिया था। तो माओं ने कुर्बानियाँ दी, माओं की कुर्बानियाँ काम आती हैं तो औलाद नेक होती है। एक शायर ने कहा
अल उम्मु मदरसतुन, माँ एक यूनिवर्सिटी है, माँ एक स्कूल है, माँ तालीमात का एक, माँ तालीमात का एक मैदान है। और इदा आदत हा, अगर वो अपने बच्चों को तैयार करती है तो वो आला नस्ल के बच्चों को तैयार करती है, अगर वो बिगाड़ना चाहती है और बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं देती है तो बच्चे बहुत बुरी तरीके से गुजरते हैं। आज के ज़माने में दाढ़ी रखने वाला नौजवान जिहाद कर रहा है, मगरबी दुनिया और मुशरिकीन की आंखों में आँखें डालकर बात कर रहा है। ये दुनिया को बुरा लगता है कि एक मुस्लिम बेटी पर्दे में रहे तो उसके सर से पर्दा और नकाब खींचा जाए, और एक नौजवान बच्चा वो दाढ़ी छोड़ता है और इस्लामी लिबास पहनता है तो उस पर मौजूदा ज़माने के लोगों का कोई एतराज़ है। हमारे घर का निज़ाम तितर बितर है, मुंतशिर है। अब तो हम रमज़ान में एक साथ बैठ के इफ्तारी करते हैं, उसकी बरकतें देखते हैं। अल्लाह ताला एक साथ खाने वालों पर बरकतें नाजिल करता है। और हमारे यहाँ आप देखिए, रमज़ान जैसे ही ख़त्म होगा सब बरकतें उठ जाएंगी। क्यों? उसकी वजह यह है, अब जिस तरह हम सहरी और इफ्तार में मिलकर खाते हैं, गैर रमज़ान में ऐसा नहीं खाते। हमारा नाश्ता हमारे बच्चे अपनी पसंद से अलग 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 टाइम पर करते हैं। कोई 10 बजे उठता है, उसको इडली पसंद है, कोई 12 बजे उठता है, उसको डोसा पसंद है, कोई 1 बजे उठता है, उसको कुछ और पसंद है, कोई दोपहर में बर्गर खाना चाहता है, कोई रात में बर्गर खाना चाहता है, किसी को कबाब पसंद है। घर का शिराजा सारा बिखर गया, एक दस्तर पर जमा नहीं होते। एक दस्तर पर जमा होने से एक दूसरे के हालात मालूम होते हैं। माँ को बच्चे की कैफियत मालूम होती है कि बच्चा कितना खाया है, अगर कम खाया है तो क्या वजह है, उसके असबाब मालूम होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने वो माहौल को ख़त्म कर दिया है। बच्चे अलग खाते हैं, औरतें अलग खाती हैं, बड़े अलग खाते हैं, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो घर से बरकतें उड़ गई हैं, रहमतें उड़ गई हैं, ज़हमतें बढ़ गई हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कबीले वाले आए और उनसे कहा, या रसूलल्लाह, हमारे कबीले के लोग दुबले पतले हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या तुम लोग अलग अलग खाना खाते हो? तो उन लोगों ने कहा, हाँ या रसूलल्लाह, हम अलग अलग खाना खाते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा मत करो, तुम सब मिलकर खाना खाओ, इज्तिमाई शक्ल में खाना खाओ, तुम्हारी ये शिकायत दूर हो जाएगी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान का मिजाज बदलता है तो उसके अंदर तब्दीली आती है। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम इज़ा अरादल्लाहु बिकौमिन सूअन फला मरद्द लहू मिन वाल। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। इंसान के अंदर खुद अपने अंदर से पहले तब्दीली लाने की कोशिश करें। बच्चों को बचपन से इसकी तरफ तवज्जो दिलाए, जब जवान हो जाए तो उनको याद दिलाया जाए कि एक इंसान दूसरे इंसान से मुतासिर होता है, एक इंसान दूसरे इंसान का असर कबूल करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी प्यारी मिसाल दी। फरमाया, एक आदमी है जो इत्र बेचता है, अगर तुम्हारी दोस्ती उस अत्तार से हो, उस इत्र बेचने वाले से हो, तो तुम्हें उससे फ़ायदा होगा। एक फ़ायदा तो ये होगा कि तुम वहाँ बैठे बैठे इत्र की खुशबू सूंघोगे, कोई ग्राहक आएगा इत्र लेगा, वो इत्र की शीशी खुलेगी तो उससे इत्र की खुशबू से तुम्हारे नाक मुतासिर होगी और वो तुम्हें इत्र भी लगाएगा या इत्र का फाया भी देगा तो तुम्हारे लिए और खुशी की बात होगी। तो ये बात कि इत्र वाले से दोस्ती करने से फ़ायदा है। एक और शख्स है जिसको लोहार का काम करता है, लोहे को भट्टी में जलाता है और उसको भट्टी में जलाने के लिए
वो फूंकता है और आग को भड़काता है। जब वो आग को भट्टी में धुंधता है तो उससे शोले निकलते हैं और लोहे के जलने की वो आती है। तो जो लोहार के पास बैठेगा उसको दोहरा नुकसान होगा, एक तो उसको सूंघने के लिए लोहे की बुरी बदबू मिलेगी और साथ साथ जब वो धुनकेगा तो उसकी आग से चिंगारियां निकलेंगी, वो चिंगारियां भी कपड़ों को नुकसान पहुंचाएंगी, कपड़े भी मैले हो जाएंगे, खाक उड़ेगी, कपड़े काले हो जाएंगे। तो ये दोस्ती बताई गई है कि इंसान के अंदर जो चीज़ आती है, बुराई की चीज़ आती है, तो वो चीज़ उसको मुतासिर करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे मिजाज में सख्ती हो, गुस्सा करने लगे, गैज़ व गज़ब आ गया, तो उसको नरम करने के लिए वज़ू कर लिया करो। फलयतवज़्ज़ा मन ग़ज़िबा फलयतवज़्ज़ा, अगर तुम्हें गुस्सा आ गया हो तो तुम्हें गुस्से को बदलना चाहिए। बिरादरान मोहतरम, इन जानवरों के मिजाज में सख्ती होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया ऊँट चराने वाले सख्त मिजाज होते हैं और बकरियां चराने वाले नरम मिजाज होते हैं। तो आप जिस माहौल में रहेंगे, जिन लोगों के साथ काम करेंगे, आपके मिजाज में वही नरमी और वही सख्ती पैदा होगी। जो लोग घोड़ों का कारोबार करते हैं, घोड़ों के साथ रहते हैं, उनके मिजाज में भी गर्मी और सख्ती आती है। अरबी घोड़ा अगर हो तो अरबी घोड़ा हर दिन सुबह उठता है और कहता है अल्लाहुम्म जअलनी मिन अहब्बी माली व अहली व वलदी, कि अल्लाह मुझे इस मालिक का सबसे पसंदीदा माल बना दे और उसके घर वालों का और उसके बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा मुझे पसंदीदा माल बना दे। घोड़े सख्त मिजाज होते हैं, उनके पीछे बड़ी मेहनत करनी होती है। उसके मुकाबले में बकरियां हैं, नरम मिजाज हैं। अक्सर अंबिया ने बकरियां चराई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराई। आपका निज़ाम, आपका मिजाज नरम है। कुरान कहता है फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न ग़लीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। आप नरम मिजाज हैं, अल्लाह की रहमत आप पर है। अगर आप सख्त मिजाज होते तो लोग आपके अतराफ ना होते। बाप को नरम मिजाज होना चाहिए, बच्चों की शिकायतों को सुनना चाहिए। आज का माहौल ये है कि बाप बच्चों को वक्त नहीं देता है और वो हर मसले को अपनी माँ से हल करने के लिए कहता है। बच्चे बेजार हो जाते हैं, माँ से करीब होकर बाप से दूर होते हैं और उनके दिलों में अजीब अजीब किस्म के ख्यालात आते हैं। बहुत सारे बच्चों की शिकायतें माँ बाप न सुनने की वजह से वो टेंशन में आ जाते हैं, उसकी वजह से उनकी सेहत ख़राब होती है। सेहत ख़राब होने पर बाप उनको डॉक्टर के पास लेके जाता है, उसके सर में दर्द है, पेट का निज़ाम सही नहीं है। इसके असबाब छोटे बच्चों को, दरमियानी उम्र के बच्चों को कम उम्र में बीमारियां नहीं आती हैं, वो बीमारियां उनकी तरफ तवज्जो न देने की वजह से आते हैं। वो टेंशन या पेट के निज़ाम का हाजिमा ख़राब होता है तो उसकी वजह यह है कि घर पर उनकी तरफ सही तवज्जो नहीं दी जाती। जिसकी उनकी बात न सुनते हैं तो उनको लगता है कि मेरा बाप मुझसे नाराज़ है, वो टेंशन में रहता है, उसको सख्त बात कहते हैं, खाना नहीं खाता है, उसके पेट का निज़ाम बदल जाता है। दुनिया में लोगों की तीन तरह की किस्में हैं। आप देखिए आप किस किस्म में हैं। एक वो लोग हैं जब आपस में मिलते हैं तो उनकी गुफ्तगू दुनिया को फ़ायदा पहुंचाने की होती है। वो आइडिया सोचते हैं कि हुआ आइडियों से ताकि दुनिया वालों को फ़ायदा हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अनु एक कमरे में बैठे हुए थे, चंद अफराद साहबा वहाँ पर मौजूद थे। आपने उनसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है।
तो एक साहबी खड़े हुए, उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन मेरी ख्वाहिश है कि मुझे ये घर भर के पैसे मिले और मैं अल्लाह की राह में सदका व खैरात करूँ। एक दूसरे शख्स से पूछा तो उन्होंने भी यही कहा ए अमीरुल मोमिनीन मुझे बहुत सारी दौलत मिले और मैं अल्लाह की राह में उसको खैरात कर दूँ। बहुत सारे लोगों ने अपनी ख्वाहिशें बताई तो लोगों ने हजरत उमर से पूछा अमीरुल मोमिनीन आपकी क्या ख्वाहिश है, आप क्या चाहते हैं? तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा मैं चाहता हूं कि ये कमरा ऐसे लोगों से भरे जो जैसे अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जैसे जर्राह इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, ऐसे लोगों से ये घर भर जाए मेरी ख्वाहिश थी। तो ये उनकी सोच थी कि अबू उबैदा बिन जर्राह जैसा शख्स उनकी मजलिस में हो जो अमीनुल उम्मा था, जो दुनिया के लिए फ़ायदा पहुंचा सकता था। आप देखिए दुनिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी है ये लोगों के सोचने और उनके काम करने की वजह से है। हम जिस रोशनी से बल्ब से रोशनी ले रहे हैं, जिस कैमरे से वीडियो ले रहे हैं, जो घड़ी हमने हाथ पे बनी है, जिस तरीके की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, ये वो लोग हैं जिन्होंने सोचा, इसकी बुनियाद बनाई, इसके लिए इस तरीके की सीमेंट लगाई जाएगी कि तो दुनिया ऐसी तामीर होगी, ईंट लगाई जाएगी तो इस तरीके की बिल्डिंग बनेगी। तो उन्होंने दूसरों के लिए सोचा, वो लोग काबिल मुबारकबाद हैं। अगर ये लोग मुस्लिम होते, लाइट का ईजाद करने वाला, मोबाइल का ईजाद करने वाला, टीवी का ईजाद करने वाला, कैमरे का ईजाद करने वाला, अगर ये मुस्लिम होते तो उनके आमाल नामा में जो लोग भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसका अमल भी उनको लिखा जाता। इस तरीके से दूसरे किस्म के वो लोग हैं जो अपने बारे में बात करते हैं, अपनी चीज़ों की ख़रीदने के लिए कहते हैं आज फला जगह सेल लगी है, फला टीवी की कीमत इतनी है, आज गाड़ियों का रेट कम हो गया है, आज शेयर मार्केट ऐसा है। तो जो लोग दूसरे तबके के लोग हैं जो चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तीसरा तबका वरस्ट तबका है, बिल्कुल नाकारा तबका है। वो दो लोग जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से तीसरे शख्स के बारे में बात करते हैं, उसकी लड़की कहाँ जा रही थी, उसने किसको अपने साथ लेकर गया। चौगली करना, दूसरों की गीबत करना, दूसरों के बारे में बात करना, तीसरा शख्स उनका टॉपिक होता है। और आज हमारे पास यही है, हम मस्जिद में बैठे हुए तीसरे शख्स के बारे में, यहाँ बैठे हुए, घरों में बैठे हुए, होटलों में बैठे हुए सारी दुनिया की गीबत करते हैं। तो ये घर के माहौल की इस्लाह का तरीका ये है कि हम दूसरों के बारे में बात ना करें, हम क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं उस बारे में सोचें, हमारे ज़रिए दुनिया को क्या फ़ायदा पहुंच सकता है उस बारे में सोचें। तो ये एक इस्लामी माशरे की तशकील हो सकती है। अगर आप बुराई को सोचेंगे तो बुराई पनपेगी, नेकी को सोचेंगे तो नेकी बढ़ेगी। मैं अल्लाह तबारक तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला हमारे तमाम घर वालों को नेक बनाए, नमाजों का पाबंद बनाए, सच बोलने वाला बनाए, इस्तेकामत पर कायम रहने वाला बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।